तो हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग आज इस वाले फ़ोटो को देखिए, कितने बेकार फ़ोटो है। तो हम लोग आज इस वाले फ़ोटो को कुछ देखिए इस टाइप का एडिट करने वाले हैं। इसका हेयर देखिए कितना डर्टी है, देखिए इसका हेयर, देखिए हेयर, इस वाले फ़ोटो का हेयर देखिए, उस वाले फ़ोटो को हम लोग इस टाइप का हेयर बनाएंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा हेयर बनाया, ये देखिए हेयर, इसमें हेयर देखिए, इस वाले फ़ोटो में हेयर देखिए, और इस फ़ोटो का देखिए कलर ग्रेडिंग देखिए कितना अच्छा सूखा, फेस का देखिए, इस वाले फ़ोटो का देखिए। तो हम लोग इस वाले फ़ोटो को तो इस वाले इस टाइप का एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले फ़ोटो को क्या चेक करना होगा कि कुछ इस टाइप का एडिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि इस वाले फ़ोटो को क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में थोड़ा सा रिटच करेंगे, फिर उसके बाद लाइटरूम हल्का सा रिटच करेंगे, फिर आएंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ से स्मूथ करेंगे, फेस पर कलर देंगे, फिर आएंगे हम लोग फोटो रूम में, वहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड को मतलब ब्लर करेंगे, फिर ऑयल पेंट करेंगे टूलिज वाले एप्लीकेशन की सहायता से, फिर इसके बाद वीडियो डन हो जाएगा। तो चलते हैं तुरंत से स्टार्ट करते हैं। टोटल स्टेप बताएंगे आप लोगों को, टोटल 6 स्टेप है, देखिए मैं बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले फ़ोटो को हम लोग स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर शेयर करते हैं जल्दी से। तो फाइनली हम लोग इस वाले फ़ोटो को स्नैपशॉट एप्लीकेशन अंदर लेके आ चुके हैं। तो अब देखिए, अब इस वाले फ़ोटो के साथ अब करना क्या चीज़ें, टोटल स्टेप बाई स्टेप। पहला स्टेप है स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले स्टेप अपने अंदर आ जाने के बाद आना है टूल्स वाले ऑप्शन पर, फिर आना है सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर। देखिए सेलेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर फेस पर लाइट जहाँ कम है वहाँ पर लाइट को इंक्रीज करेंगे। वीडियो को शुरू से देखते रहिएगा, वीडियो को मैं जल्दी नहीं मतलब नॉर्मल तरीके से बताऊँगा ताकि आप लोग अच्छे से सीख सके। देखिए जहाँ जहाँ पर लाइट कम है वहाँ पर लाइट को इंक्रीज करना है इस टाइप से। देखिए इस टाइप से लाइट को इंक्रीज करते जाना है। यहाँ पर देखिए गले पर लाइट कम है, यहाँ पर लाइट को इंक्रीज करेंगे इस टाइप से, यहाँ से इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, क्या चीज़ करना है। यहाँ से फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर आना, टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद फिर आना डिटेल्स वाले ऑप्शन पर। डिटेल्स वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद शार्पन को इंक्रीज कर देना है एक्सट्रोजर हल्का सा, यहाँ से डन करना है। फिर आना है आप लोग को वीब एडिट्स पर, तो वीब एडिट्स पर आ जाने के बाद फिर यहाँ देखिए वीब एडिट्स इस जगह है, वीब एडिट्स पर आ जाने के बाद अब आना है आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर, डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है। डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद अब आना है इस वाले ऑप्शन पर, इस वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है। इस वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद ओनली हेयर पर चलाना है, यहाँ से हम लोग सिर्फ हेयर पर से ड्रा करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए इस टाइप से हेयर देखिए कितना क्लियर दिख रहा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि और भी कोई दूसरा वीडियो है तो आप लोग को तुरंत से मिल जाए वो वीडियो। देखिए किस टाइप से करना है, इस टाइप से देखिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो बना रही है। देखिए कोई स्किपेबल वीडियो नहीं बना रहा, ठीक ना, पूरा रियलिस्टिक चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए इस टाइप से चला लेना है जो आप लोग का बियर्ड होगा, इस टाइप से यहाँ पर भी इस टाइप से चला लेना है। यहाँ से इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा कपड़े वगैरह चला दे ताकि जो कपड़े पर उसको डिटेल्स अच्छे से आ जाए। इतना होने के बाद यहाँ से फोटो को डन कर लेंगे। अब देखिए इतना होने के बाद अब क्या चीज़ करना है, अब ये करना है। देखिए फिर से आना टूल्स वाले ऑप्शन पर, टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है, फिर आना आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर, रोटेट पर आना है, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग आ जाना है। देखिए इस वाले ऑप्शन पर आना है, इस वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद अब आना है फिल्टर पर आ जाना है, फिल्टर पर आना है, कॉम्बो वन लेना, कॉम्बो वन लेने के बाद फेस को स्मूथ कर लेना है यहाँ से, ठीक, फेस स्पॉटलाइट को थोड़ा सा कम कर लेना है और फेस को स्मूथ कर लेना, यहाँ से डन कर लेना। इतना होने के बाद अब क्या चीज़ करना है, और फिर से आना टूल्स वाले ऑप्शन पर, पूरा एक एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर आना टोनल कंट्रास्ट पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। टोनल कंट्रास्ट पर आ जाना है इस जगह, टोनल कंट्रास्ट पर आ जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है, हाई टोन को इंक्रीज करना है, लो टोन को इंक्रीज करना है, मिड टोन को भी इंक्रीज कर लेना है, और प्रोटेक्ट शैडो को भी इंक्रीज कर लेना, और यहाँ से डन करना है। डन हो जाने के बाद आना है वीप एडिट्स पर, आप लोगों को वीप एडिट्स यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाने के बाद फिर आना है वीप एडिट्स, देखिए वीप एडिट्स इस जगह, यहाँ जाने के बाद यहाँ से क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, टोनल कंट्रास्ट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, तो यहाँ पर फिर डन कर लेना है। फिर यहाँ हो जाने के बाद फिर सिर्फ हेयर वैसे से चला लेना है। देखिए इस टाइप से पूरा एक एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, बस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप फिर चलेंगे हम लोग तो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, फिर यहाँ से देखिए इतना होने के बाद यहाँ से फोटो डाउन करके चलता है लाइट रूम वाला एप्लीकेशन के अंदर बिना किसी देरी के।
अब देखिए, अब लाइटरूम वाला एप्लीकेशन दूसरा स्टेप है। लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है। तो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद आना है लाइट वाला ऑप्शन। तो लाइट वाला ऑप्शन कहाँ पर, लाइट वाला ऑप्शन देखिए नीचे है। यहाँ जाने के बाद देखिए कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट्स को कम कर देना है, ठीक, शैडो को इंक्रीज करना है ताकि जो जहाँ जहाँ पर ब्लैक हो वो थोड़ा सा लाइट में हो जाए, ठीक। इतना हो जाने के बाद देखिए क्या चीज़ करना है, वाइट को भी कम करना है, ब्लैक को हल्का सा कम करना है, ठीक। इतना होने के बाद यहाँ से लाइट का काम डन हो गया, ठीक। अब आना है कलर वाला ऑप्शन, कलर वाला ऑप्शन बाद फिर आना है मिक्स वाला ऑप्शन। मिक्स वाला ऑप्शन पाते हैं देखिए करना क्या चाहिए। रेड टोन को देखिए सैचुरेशन को हल्का सा कम करेंगे, लुमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, फिर आना है रेड वाले कलर को बगल में आना, फिर यहाँ से इसका सैचुरेशन कम करेंगे, लुमिनेंस को इंक्रीज करेंगे, सैचुरेशन कम करेंगे, देखिए फेस वाइट हो रहा है। देखिए 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 इस टाइप से देखिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ऐसे और वीडियो आएगा। देखिए इतना होने के बाद इतना रखते हैं, ठीक। इतना होने के बाद फिर सारे कलर का सैचुरेशन कम करें ताकि बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा ब्लैक हो जाए। देखिए इस टाइप से इतना होने का यहाँ से डन कर लेते हैं। अब डन होने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है, अब करना है यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन पाना है, फिर क्लियरिटी को हल्का सा इंक्रीज करना है, फिर डिटेल्स वाला ऑप्शन पाना है, साइपिंग इंक्रीज करना है, डिटेल्स को फुल करना है, नॉइज रिडक्शन को भी हल्का इंक्रीज कर, मास्किंग को हल्का सा इंक्रीज कर, डिटेल्स को फुल कर देना है, ठीक। बस डिटेल्स को फुल कर देते जाना है। इतना होने के बाद देखिए यहाँ से इतना हमारा डन हो गया, यहाँ का काम कम्प्लीट। अब चलते हैं हम लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर जल्दी से। अब देखिए ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा कौन सा ब्रश लें फेस स्मूथ के लिए, कौन सा ब्रश लें हेयर के लिए। तो मेरा हमने देखा होगा कितना क्लियर हेयर बना हुआ था, कितना HDMI फेस था, उसी टाइप का एडिट होगा, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। देखिए कौन सा ब्रश का यूज़ करना है आप लोग को, आने ब्रश वाला टून पर आ जाना है। ब्रश वाला टून पर आ जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है, ब्रश वाला टून पर आ जाने के बाद हम देखिए इस वाले ब्रश को आप लोग को लेना है, स्थेटिक पेंट का इस वाले ब्रश को आप लोग को ले लेना है, इस वाले ब्रश को लेना है। इसका सेटिंग देखिए कितना है, इसका सेटिंग देखिए बस इतना ही रखना है, और साइज अपने हिसाब से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जल्दी फेस को स्मूथ करते हैं, देखिए किस टाइप से करना है ब्रश को, देखिए इस टाइप से चलाना है आप लोगों को, इस साइड से, इस टाइप से लाइनिंग इस टाइप चलाना है। देखिए जल्दी से स्मूथ करते हैं, देखिए आप लोग इस टाइप से चला लेना है लाइनिंग करके, इस टाइप से हो जाने के बाद देखिए अब कैसे चलाना है ब्रश को चलाने के भी बता दे रहे हैं। अब इतना हो जाने के बाद देखिए अब कैसे चलाना है ब्रश को आप लोग इस टाइप से चला लेना है, इस टाइप से, और इस टाइप से चलाना है, मतलब इस टाइप से चलाना है, फिर इस टाइप से चला लेना है। अब देखिए इस टाइप से चला रहे हैं, देखिए इस टाइप से, देखिए इस टाइप से आप लोगों को भी चला लेना ताकि स्मूथ जो है अच्छे से हो जाए। देखिए साइज को छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो जाता है तो इस टाइप से, देखिए इस टाइप से आप लोगों को स्मूथ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आता है कमेंट जल्दी तुरंत से कर दिया कीजिए। देखिए इस टाइप से स्मूथ कर लेना है, अगर आप लोग बियर्ड को रखना चाहते हैं तो रहने दीजिए, नहीं तो उसको भी स्मूथ कर दीजिए। वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ, अब देखिए फेस स्मूथ हो गया, ठीक। अब क्या चीज़ करना है, अब करते हैं लिप्स कलर प्लस में गॉगल्स का कलर, चश्मे का कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है लेयर वाला ऑप्शन पर, लेयर वाला ऑप्शन पर आ जाने के बाद एक नया लेयर लेना है, नया लेयर लेने के बाद देखिए क्या करना है, आना है कलर वाले ऑप्शन पर। आप लोग को जो भी कलर पसंद है, कोई सा भी कलर पसंद है उसको ले लेना है। देखिए यहाँ से इस टाइप से लेने के बाद हमारे ब्रश वाले का, तो आप लोग इस वाले ब्रश को लेना है, बॉल पॉइंट पेन को लेना है, इसका साइज अपने हिसाब से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से, और चश्मे पर चला लेना है इस टाइप से। वीडियो को फास्ट कर लेते हैं,
अब देखिए चश्मे का कलर हो जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है, अब इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग को चेंज करना है। तो चेंज कहाँ से होगा, सबसे पहले हम लोग लेयर पर आएंगे, लेयर जो लेयर लिए रहेंगे इसी लेयर पर हम लोग टैप करेंगे, इसी लेयर पर हम लोग को टैप करना है। तो टैप करेंगे देखिए इस प्रकार से ओपन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जाने के बाद देखिए इसका ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड देखिए हम लोग क्या करना है, ब्लेंडिंग मोड हम लोग को सॉफ्ट ग्लो कर देना है। अब सॉफ्ट ग्लो हो जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है, सॉफ्ट ग्लो होने के बाद फिर से लेयर पर टैप करना है, लेयर पर टैप इसका ब्लेंडिंग ओपेसिटी को कम कर देना है, इतना ओपेसिटी को कम करके यहाँ से डन कर देना है। इतना हो जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है, हम लोग को लिप्स कलर करना है। तो फिर से लेयर वाला ऑप्शन है, फिर से एक लेयर लेंगे, लेयर लेंगे फिर रेड वाला कलर को चूज करेंगे, रेड चूज करने के बाद फिर से ब्रश वाला ऑप्शन पाएंगे, ओनली लिप्स पर चला देंगे इस टाइप से। इस टाइप से करके इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग को चेंज करना है। इसका ब्लेंडिंग हम लोग चेंज कर देते हैं, सॉफ्ट लाइट कर देते हैं, सॉफ्ट लाइट करके इसका ओपेसिटी को हम लोग कम कर देते हैं इस टाइप से। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। देखिए कह रहा हूँ एक पूरा रियल चीज़ बताऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो में बस बने रहिए, न्यू चैनल है दबा कर सपोर्ट दिखा दीजिए। इतना होने के बाद यहाँ से डन करना है। डन होने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है, हम लोग को फेस में कलर को ऐड करना है। ठीक, हम लोग फेस में कलर को ऐड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेयर पर टाइप करके यहाँ पर सभी लेयर को मर्ज कर देंगे। यहाँ पर आल मर्ज लिखा है, यहाँ पर टाइप करके सभी लेयर को एक में मिला देंगे। अब इतना हो जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है, अब फिर से एक नया लेयर ले लेना है आप लोग को। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या चीज़ करना है, अब आना फिर से लेयर वाला ऑप्शन, पहले वाला फिर से एक नया लेयर लेना है। फिर देखिए कलर, देखिए यही एक इसका स्क्रीन शॉट आप लोग जरूर से ले लीजिएगा। देखिए क्या चीज़ करना है, जो ये चीज़ यहाँ पर देखिएगा आप लोग ना, इस जगह कैसे कैसे करना है, यहाँ पर मेन चीज़ इस जगह है, इसको ध्यान से नोटिस कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बस ध्यान देखिए रखना कितना चाहिए। इस जगह है जो HSL लिखा है, यू सैचुरेशन लुमिनेशन है, लुमिनेंस है। ठीक, देखिए एच है तो इसका यू देखिए कितना रखना है, इसको यू रखना आपको 20 से 19 के रेंज में रखना है। देखिए 19 कर देते हैं, इसको ध्यान से रखिए, स्क्रीन शॉट जरूर से ले लीजिएगा। सैचुरेशन को हम लोग 54 कर देते हैं, सैचुरेशन को। ठीक, अब देखिए लुमिनेंस को कितना रखना है, लुमिनेंस को करना है 83। देखिए इस टाइप से कर लेना है। अब फिर इसके बाद आपको बता रहा हूँ क्या चीज़, इससे क्या चीज़ होगा। इतना हो जाने बाद यहाँ से डन, अब इतना हो जाने बाद अब आने आप लोगों को ब्रश वाला टून का फिर से लेना, इस वाले ब्रश को ले लेना। फिर इसका सेटिंग देखिए ये बस ओनली आप लोगों को फेस पर चला लेना है, लेयर ले कर चला लीजिएगा। देखिए इस टाइप से चलाना है, मेन चीज़ यही है, आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए कैसे कैसे करना है इसका, फिर ब्लेंडिंग मोड आप लोग को चेंज करके बता दूंगा। देखिए ऐसे ऐसे पूरा फेस पर चला लेना है, जल्दी जल्दी से ध्यान से चलाइएगा आप लोग। देखिए इस टाइप से चला लेना है हम लोग के, हमारे स्टेप में हम लोग तीसरा स्टेप है, चौथा इसमें फोटो रूम में हम लोग फिर चलेंगे, फिर वहाँ से बैकग्राउंड को ब्लर कर लेंगे और प्लस में ब्लैक भी कर लेंगे वहाँ से। देखिए इस टाइप से कर लेना है, देखिए इस टाइप से मैं वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। ठीक, देख लो अब देखिए इतना हो जाने बाद देखिए अब क्या चीज़ करना है, इतना हो जाने बाद आप लोगों को देखिए अब क्या चीज़ करना है। वीडियो में बना रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में बने रही है। देखिए इसका सेटिंग आप लोग स्क्रीन शॉट जरूर से ले लीजिएगा। ठीक, पूरा बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इसका ओपेसिटी को चेंज करना है, हम लोग को लेयर पर टाइप करना है, जो जिस लेयर पर उसी पर टाइप कर लेना है, फिर इसका ओपेसिटी को देखिए इस टाइप से कम कर लेना है। ठीक, कम करने के बाद हल्का हल्का देखिए, देख रहे हैं ना कितना खतरनाक लुक आने लगा। अब ओपेसिटी कम करके हल्का सा 100 है तो इसको थोड़ा सा 50 करके हम लोग चला लेंगे, अपने जो हल्का बियर्ड है ना इस पर चला लेंगे। देखिए इस टाइप से चला लेना है ताकि ज़्यादा ब्लैक भी ना लगे, इस टाइप से चला लीजिए आप लोग भी। देखिए कितना अच्छा लगने लगा फोटो, कहना कुछ। अब देखिए इतना हो जाने बाद हम लोग अपने अब हेयर को बनाना है। ठीक, हेयर को तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे किस वाले ऑप्शन पर, हम लोग चलेंगे फोटो रूम में, वहाँ से पहले बैकग्राउंड को ब्लर कर लेंगे तब हेयर पाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से फोटो रूम के अंदर। तो फोटो रूम में देखिए हम लोग को फोटो स्कैन हो रहे हैं,
फिर आ जाना है ब्लर, ब्लर वाला ऑप्शन पर आ जाएंगे, यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग अपने बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड में टच करेंगे इस टाइप से, फिर यहाँ से ब्लर कर देंगे। देखिए कितना खतरनाक ब्लर हो गया। यहाँ से सेव करेंगे, फिल्टर में देखिए, फिल्टर में आ जाना है। देखिए यहाँ से F0 F2 ये सब करके दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए हम F2 को ले लेते हैं इस वाले को, ये जो F2 है इस वाले फिल्टर को हमने चूज किया है। तो आप लोग भी इस वाले फिल्टर को यूज़ करके अपने बैकग्राउंड को ब्लैक में कर सकते हैं। तो इतना जाने बाद चलते तुरंत से हम लोग अपने ऑटोडेस्क स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ से हम लोग अपने हेयर को बनाएंगे। तो हम लोग फिर से ऑटोडेस्क स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर आ गए हैं। अब हम लोग को अपने जो फोटो इसका हम लोग को हेयर एडिट करना है, ठीक। तो देखिए कुछ किस वाले ब्रश को लेंगे कि हेयर अच्छा से एडिट होगा। देखिए तो आप लोग इस वाले ब्रश को लेना है, स्क्रीन शॉट भी आप लोग इसका ले लीजिएगा, ठीक ना। स्थैतिक पेन का ब्रश है, हम सही अपने पिछले वीडियो में बताया, ठीक। तो देखिए आप लोग इस वाले ब्रश को ले लेना है, ठीक ना। इस वाले ब्रश का सेटिंग देख लीजिए आप लोग कितना है। देखिए इस वाले ब्रश का सेटिंग साइज अपने हिसाब से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे सारे चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे भी और वीडियो आएगा, ठीक है। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देरी किए, ठीक। देखिए इस टाइप से ब्रश को चलाना है, थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा, ठीक ना। इस टाइप से चला लेना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और चला लेना और अप कर देना है जगह हेयर को, इस टाइप से, इस टाइप से चला लेना है आप लोग को, ताकि कोई दिक्कत ना है। अगर हेयर का पूरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हेयर पर पूरा ट्यूटोरियल दे दूंगा, ठीक ना। हेयर किस टाइप एडिट करता हूँ, बियर्ड को किस टाइप एडिट करता हूँ, सारा ट्यूटोरियल मिल जाएगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करें, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करना है तो जल्दी से कंप्लीट कीजिए, और खतरनाक वीडियो आएगा और ट्रिक भी बताऊँगा कि हेयर कैसे एडिट करना है मेरे वो उस वाले फोटो को, ठीक ना। देखिए इस टाइप से चला लेना है, पूरा डिटेल बताऊँगा अगले वीडियो में, जब अगला वीडियो आएगा मेरा तो हेयर और बियर्ड को बताऊँगा, जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद। यहाँ से डन कर लेते हैं, यहाँ से डन हो जाएगा, चलते हैं हम लोग तुरंत से स्नैपशॉट एप्लीकेशन के अंदर। अब देखिए स्नैपशॉट एप्लीकेशन अंदर आ जाने के बाद देखिए अब क्या चीज़ करना, अब क्या चीज़ होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर इस वाले फोटो में देखिए हम लोग को लोगो लग गया है, देखिए यहाँ पर लोगो लग चुका है, इसको मिटाएंगे तो कहाँ से मिटेगा, जैसे टूल्स वाला ऑप्शन पाना, टूल्स वाला ऑप्शन आ जाने के बाद देखिए आप लोग को कहाँ पाना, आप लोग को हेलिंग्स पर आ जाना है। तो हेलिंग्स कहाँ पर देखिए, हेलिंग्स यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पा जाना, पूरा रियल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक ना। तो चैनल को देखो सब्सक्राइब कर दीजिए, 1000 का फैमिली कंप्लीट कर दीजिए जल्दी से, यहाँ से इस टाइप कर दीजिए इरेज हो जाएगा। देखिए यहाँ से फोटो को डन करना है, अब क्या चीज़ करना है, अब आना डिटेल्स वाला ऑप्शन पर, डिटेल्स वाले ऑप्शन फिर से डिटेल्स इंक्रीज करके, डिटेल्स को इंक्रीज करके थोड़ा सा मतलब हेयर में क्वालिटी लाना है, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ से सिर्फ हेयर बचा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कपड़े और हेयर बचा लीजिएगा बिन बिंदास एकदम, इस टाइप से देखिए थोड़ा सा बियर्ड पर भी चलाए ताकि क्लीन लगे, इस टाइप से यहाँ से डन कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या चीज़ करना है, यहाँ से फेस पर लाइट देना है, ठीक। स्लेव टू पाना है, फिर से फेस पर लाइट देना है, इस टाइप से, इस टाइप से देखिए कितना कलर आ रहा है, कितना लाइट आ रहा है, देखिए इस टाइप से यहाँ से फोटो को डन करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चाहे 1000 का फैमिली जल्दी से कंप्लीट कीजिए, पूरा डिटेल ट्यूटोरियल दे दूंगा अगर उस वीडियो में, हेयर और बियर्ड में क्लियरिटी और प्लस हेयर, मेरा पर्सनली वीडियो आएगा हेयर के लिए, ठीक ना। हेयर किस टाइप से डिज़ाइन करना है, हेयर में टेक्स्चर, हेयर में मतलब रियलिस्टिक हेयर बनाना बता दूंगा। इंस्टाग्राम पर मेरे इस फोटो को देख लीजिएगा किस टाइप से है, मिस्टर फोटो डिजाइनर 752 है, उस पर जाकर देखिएगा कितना क्लियरिटी में। तो 1000 फैमिली कंप्लीट होने के बाद सारा ट्यूटोरियल दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।